आज का ये वीडियो कोई भी DIY और क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो नहीं है। दरअसल आज मैं आप सभी के साथ अपने क्राफ्ट सप्लाइज़ की शॉपिंग हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे क्राफ्ट सप्लाइज़ मंगाए हैं और ये सारे मुझे बहुत ही जेन्युइन प्राइस पे मिले हैं, तो इसी का आज मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू लिव लाइव विद वंदना। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आप सभी के साथ ये सारे शेयर करने के लिए कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है और सभी के प्राइस भी मैं आपको साथ ही साथ मेंशन करते जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा पार्सल जो कि आप देख ही सकते हैं कितने बड़े पैक में आया है और ये आया है इट्सी बिट्सी से और मैंने इसमें क्या क्या मंगवाया है इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए करते हैं अब हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ जो भी प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ इन सभी को मैंने इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर से मंगवाया है। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ मंगवाया है उसे मैं वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करते जा रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसके प्राइस भी स्क्रीन पर मेंशन करते जाऊँगी ताकि आपको परचेस करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्विलिंग स्ट्रिप मंगाए हैं और इसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मंगाए हैं और ये मुझे लोकल मार्केट से काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे मिला है, तो इसलिए मैंने ये ढेर सारे मंगवा लिए। तो इन क्विलिंग स्ट्रिप को मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में मंगाए हैं, ये 10 mm, 5 mm और 3 mm के साइज़ में मिलता है और इसका यूज़ करके आने वाले दिनों में मैं आप सभी के साथ ढेर सारे DIY शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो इस 3 mm वाले क्विलिंग स्ट्रिप की मैंने 6 पैकेट मंगवाई है। ये एक पैकेट मुझे 2 रुपये का पड़ा और 2 रुपये में आज के समय में क्या ही मिलता है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसलिए मैंने इसके 6 पीस मंगा लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये क्विलिंग टूल, तो जो कि ये मुझे 32 रुपीज़ का मिला और बहुत ही काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिफरेंट शेप के पोमपोम का पैकेट मंगाया है, ये 50 पीस का पैकेट मुझे 16 रुपीज़ में मिला और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे सस्ता पड़ा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 स्टेंसिल मंगाई है और ये भी मुझे अराउंड 20 रुपीज़ के आसपास मिला है एक पीस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया है। नेक्स्ट मैंने डिफरेंट साइज़ के थर्मोकोल बॉल्स के पैकेट मंगवाए हैं और ये एक पैकेट मुझे 8 रुपीज़ का पड़ा है और इसकी क्वान्टिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस क्वांटिटी में और इस प्राइस में आपको इस तरह के थर्मोकोल बॉल्स कहीं भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के थर्मोकोल बॉल का पैकेट मंगाया है और ये पैकेट मुझे 12 रुपीज़ का पड़ा है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जूट फैब्रिक मंगाया है जो कि एक तरफ से लेमिनेटेड है और ये मुझे A4 साइज़ में मिला है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये पेपर रोल मंगाया है और ये 10 रुपीज़ में 4 पीस है। आप देख ही सकते हैं इतनी बड़ी साइज़ वो भी 10 रुपीज़ में, मतलब आप सोच ही सकते हैं एक पीस का कितना सस्ता पड़ गया। और नेक्स्ट ये मैंने एक और पेपर रोल मंगाया है जो कि मुझे 8 रुपीज़ में 4 पीस मिला है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 2 प्लेट का सेट मंगाया है जिसे कि हम झूमर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये भी अराउंड मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है और इसमें सारे होल्स बने हुए हैं जिसकी हेल्प से हम इसे मोती वगैरह इंसर्ट कर सकेंगे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फ्लावर मेकिंग वायर मंगाया है और ये भी मुझे 8 रुपीज़ का पड़ा है और इसमें 10 पीस हैं। नेक्स्ट मैंने ये येलो कलर का एक थ्रेड मंगाया है, मुझे लगा था ये काफ़ी बड़ा होगा पर ये साइज़ में थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट मैंने ये ग्लिटर डस्ट का पैकेट मंगवाया है जो कि मुझे 10 रुपीज़ पड़ा और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बॉटल कैप मंगवाया है जो कि 10 पीस मुझे 12 रुपीज़ में मिला है। और नेक्स्ट मैंने बहुत सारे चिपबोर्ड मंगाए और एक चिपबोर्ड मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है और मैंने यहाँ पर ये काफ़ी सारे लेटर्स और नंबर्स में मंगवाए हैं और इन चिपबोर्ड का यूज़ करके मैं आप सभी के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे DIY शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने ये गेट टाइप में चिपबोर्ड मंगाया है, इसके अंदर 2 पीस है और ये मुझे 14 रुपीज़ का पड़ा है। नेक्स्ट मैंने ये चिपबोर्ड मंगाया है, ये मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा, इसका प्राइस 55 रुपीज़ है, पर कोई बात नहीं, इसका यूज़ करके मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही यूनिक सा DIY शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैंने 3 डिफरेंट कलर के ये फ्लोरल टेप मंगाए हैं जो कि एक टेप रोल मुझे 20 रुपीज़ का मिला है और इसे मैंने ब्लैक, ब्राउन और ऑफ वाइट कलर में मंगवाया है।
नेक्स्ट मैंने ये सीक्वेंस का पैकेट मंगवाया है और ये मुझे 60 रुपीज़ का 100 ग्राम पड़ा है और ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। नेक्स्ट मैंने ये ब्राउन कलर के सीक्वेंस का पैकेट मंगवाया है और ये मुझे 22 रुपीज़ का मिला है और ये प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ग्लिटर फैब्रिक पेंट मंगवाया है और इसका एक ही पीस बचा था जो कि यही कलर में था, तो इसे मैंने मंगवा लिया क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना था। नेक्स्ट मैंने ये पर्ल ड्रॉप मंगवाया है और इसका भी ये एक ही कलर बचा हुआ था, तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे इसे ट्राई करना था। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये बैम्बू स्टिक मंगवाया है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर का क्राफ्ट स्टिक मंगवाया है। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ये वुडन क्राफ्ट स्पून मंगवाया है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पे अच्छी क्वांटिटी में मिल गया है। और इसका एक मैंने छोटा साइज़ भी मंगवाया है, ये भी मुझे अच्छे क्वांटिटी में मिल गया है। नेक्स्ट मैंने ये पाइप क्लीनर का पैकेट मंगवाया है जिसमें कि 12 पीस मेंशन किया हुआ था, पर इसकी क्वांटिटी देखकर लग रहा है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये है। और सेम एक और पैकेट मैंने मंगवाया था, इसका प्राइस थोड़ा कम था, तो ये क्वांटिटी में 12 ही पीस लग रहा है। नेक्स्ट मैंने ये इस टाइप का एक स्टिक है, इसे क्या कहते हैं पता नहीं, पर मैंने इसे मंगाया ताकि मैं इसे ट्राई कर सकूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर फॉइल प्रिंटेड पेपर का एक पैकेट मंगवाया है जिसमें कि 12 शीट्स है और ये 12 शीट अराउंड मुझे 120 का पड़ा है, मतलब कि एक पीस मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा है। और साथ ही मैंने यहाँ एक स्पाइडर मैन का ये फॉइल प्रिंटेड पेपर मंगवाया जो कि मुझे एक पीस 20 रुपीज़ का पड़ा है। तो इस फॉइल प्रिंटेड पेपर का कॉम्बो पैक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसके एक पेपर मुझे 10 रुपीज़ के ही पड़े और इसकी कलर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे कलर्स और डिज़ाइंस है और ये काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग पेपर है। तो इस पेपर का यूज़ करके भी मैं आप सभी के साथ एक से बढ़कर एक DIY शेयर करने वाली हूँ। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो है ना इन सभी के डिज़ाइन बहुत ही प्यारे प्यारे से। नेक्स्ट मैंने ये पेपर क्राफ्टिंग ग्लू मंगवाया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ये जेल मीडियम मंगवाया है जो कि ग्लास बीट जेल मीडियम है। नेक्स्ट मैंने ये बेकिंग पेपर का एक रोल मंगवाया है जो कि मुझे 60 रुपीज़ में 5 मीटर का मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। और नेक्स्ट मैंने यहाँ 12 पीस के पाइपिंग नोज़ल का सेट मंगवाया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिला है। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग हॉल वीडियो। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी प्रोडक्ट आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही अगर मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे भी इसी तरह के अगर और भी हॉल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें।